बेटा रोहित, हाँ पापा। ये तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में 18-18 रुपए की इतनी सारी एंट्री क्यों हुई है? ऐसा क्या लेते हो रोज रोज 18 रुपए का? बैंक बैंक चार्जेस कटे हैं। ऐसे कौन से बैंक चार्जेस हैं जो रोज रोज कट रहे हैं? ऐसे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। रुको, मैं बैंक में बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैंक वाले से बात करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लो ना पापा, मैं कर लूंगा हैंडल, मैं सब संभाल लूंगा। अरे ऐसे कैसे मैं बात करता हूँ? ऐसे 18-18 रुपए काटते रहे तो फिर तो हो गया काम इनका। नमस्कार सर। पैसा बचाओ बैंक में आपका स्वागत है, बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। अरे क्या पैसे बचाऊं? दिन भर में 4 बार मेरे बेटे के अकाउंट से तुम 18-18 रुपए काटते हो। भगवान से तो डरो कम से कम। सर थोड़ा सा खुल के बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है? खोल के तो बैठा हुआ हूँ मैं। क्या खोल के बैठे हैं सर? अरे अपने बेटे की बैंक स्टेटमेंट, इसमें सुबह दोपहर शाम रात 18-18 रुपए किस बात के काट लिए तुमने, ये बताओ जरा। सर मैं एक बार अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ, आप मुझे अकाउंट नंबर बताएंगे सर? हाँ लिखो, 22-13-31। हाँ जी सर, आगे बताइए। आगे 420 जो तुमने कर रखा है मेरे बेटे के साथ। एक बात बताओ, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती जो एक बच्चे को लूट रहे हो? सैलरी मिलती है सर, मिलती है सर। सर जहाँ तक मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ सर, सर ये पैसे आपके बेटे ने ही खर्च किए हैं सर। हाँ तो बताओ ना कहाँ खर्च किए हैं। पापा पापा एक बार स्पीकर पे करो ना, मैं भी सुनूँ तो क्या बोल रहा हूँ। हाँ भैया, ये बैंक चार्जेस ही कट रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, ये बैंक चार्जेस तो नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये पैसे किसी शंभू ही तो है, ये बैंक का आदमी है, यही पैसे चार्जेस काट रहा है। कौन शंभू? ये फर्जी अकाउंट बना कर तुमने मेरे बेटे को लूट लिया। अरे मुझे तो तुम्हारे यहाँ इसका अकाउंट ही नहीं खुलवाना था। हाँ पापा आप फोन काटो यार, हम नए बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे। काटो काटो। अरे सर ये तो गलत बात है ना, पैसा आपका बेटा उड़ा रहा है और आप हमें बोल रहे हैं। अरे तो बताओ ना कहाँ खर्च किए हैं। अरे मैं बता रहा हूँ सर, आप एक कर्मचारी पे इतना उखाड़ क्यों रहे हैं? अरे उखाड़ तो मैं तुम्हारी कुर्सी दूंगा अगर तुमने इज्जत से ये नहीं बताया कि पैसे आखिर कटे कहाँ हैं। हाँ तो सुनो, आपका बेटा शंभू पान भंडार पे जाके पैसे उड़ाता है, वो भी रोज रोज दिन में 4 बार। अब क्या खाता है, क्या फूंकता है, ये अपने बेटे से पूछो या उस शंभू पान भंडार वाले से जाके पूछो। और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे? पैसा बचाओ बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फोन कट। शंभू पान भंडार? अरे क्यों जाता है शंभू पान भंडार पे? शंभू तू मेरे बेटे को रोज 18-18 रुपए का चूना लगा रहा है। चूना? नहीं साहब, रोहित भैया पान थोड़ी खाते हैं। जो चूना लगाऊंगा इनको मैं, वो तो एडवांस। एडवांस? एडवांस पापा, वो एडवांस 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 पेमेंट देते हैं ना ये। हाँ अरे लेकिन किस चीज की पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? किस चीज की? हाँ ये बिस्किट ले जाते हैं। बिस्किट? अरे कितने सारे बिस्किट तो हमारे घर पे पड़े हैं, तो तू यहाँ क्यों लेने आता है बिस्किट? हाँ आपके घर में इतने सारे बिस्किट है तो यहाँ क्यों लेने आते हो आप? कुत्ते? हाँ कुत्ते, मैं पापा वो कुत्तों को बिस्किट खिलाने के लिए आता हूँ ना यहाँ पे। कुत्तों को खिलाता नहीं हूँ मैं शंभू भैया। कुत्ते हो आप? हाँ कुत्ते को खिलाते हैं बिस्किट ये। अरे लेकिन 18 रुपए का कौन सा बिस्किट आता है? नहीं सर बिस्किट तो 20 का आता है, मैं इनको 2 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ। हाँ हाँ डिस्काउंट देते हैं शंभू भैया, भला आदमी सिर्फ अमीर नहीं होता ना पापा, ऐसे गरीब लोग भी ना दिल के अमीर होते हैं। शंभू भैया डिस्काउंट देते हैं मुझे। अरे लेकिन तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखा शंभू, ये है मेरा बेटा। नेकी कर दरिया में डाल। क्यों शंभू भैया? शंभू आज के बाद मेरा बेटा जितने भी बेजुबान जानवरों को बिस्किट खिलाता है उसके पैसे ये नहीं देगा, उसके पैसे मेरी जेब से जाएंगे। वाह सर, धुआं उठा दिया आपने, मतलब क्या बात कही है, मतलब अब बेटे के पैसे बाप देगा, बहुत अच्छा। और मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे। बिल्कुल। चलो रोहित। पापा आप चलो, मैं जरा मेरा मतलब है कि बिस्किट खा के, मेरे कहने का मतलब है कि मैं कुत्तों को बिस्किट खिला के आता हूँ। ऐसा बेटा। शंभू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो मुझे लगा कि मैं गया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं जान बचाने की फीस ले लूंगा। चल एडवांस फिलहाल। अरे जल्दी करना। हाँ पैसे इसके 18। अरे अभी हो तो गई बात,
पापा ने बोला ना वो देंगे। पापा मुंह बंद करने के पैसे देंगे, पीने के तुम दोगे। क्या मतलब? क्या मतलब बता दो अंकल। एक मिनट, ठीक है माचिस दो। लुटेरों की फौज हो रखी है यहाँ पे, है तुम्हारी है। हाँ, आज तो बच गया। रोहित, पापा क्या छुपा रहा है पीछे? कुछ नहीं पापा, क्या कुछ नहीं। अरे क्या छुपाया, दिखा तो सही। धूप? हाँ धूप तो बहुत तेज हो रही है पापा। अरे ये धूप नहीं, ये धूप। धूम तितक जुल धूम। धूप? धूम तितक जुल धूम। धूप धूप धूप। वो पापा मैं ना क्या बोलते हैं भगवान को याद कर रहा था अच्छा काम करने से पहले, तो इसलिए धूप। कुछ नहीं छुपा रहा पापा। अरे कुछ नहीं है तो दिखा, दिखा क्या है, देख रहा है शंभू? ये होते हैं संस्कार। आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ आप चलिए। धूप के अलग से लूंगा।